हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फरी व्लॉग में। और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए और आप लोगों के प्यार के लिए, हेटर्स को भी और सपोर्टर्स को भी। और जैसे कि आपको मालूम चल गया होगा कि ज्योति नहीं आई, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ अपने मुँह से। ठीक है, ज्योति ने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत खराब है। क्या आपको लगता है ज्योति की तबीयत सच में खराब है? क्या ज्योति इतनी सीरियस है कि वो कोर्ट तक आने में आ नहीं सकती? अगर उसकी सच में तबीयत खराब थी तो ऐसा तो है नहीं कि तबीयत एकदम से खराब होगी अचानक से। जिस दिन कोर्ट में जाना था उस दिन से तबीयत खराब होगी, उससे पहले बिल्कुल ठीक थी वो। अगर उसकी तबीयत खराब थी तो वो कल भी इन्फॉर्म कर सकती थी। और आज भी वो बेचारे 11 बजे से इंतजार कर रहे थे, उसका वेट कर रहे थे। आज भी उसने 3 बजे ही क्यों बताया कि उसकी तबीयत खराब है? पहले उसने 12 बजे फ़ोन किया गया कि 1 बजे तक आ जाएंगे, 1 बजे किया गया 3 बजे तक आ जाएंगे। 3 बजे आता है कि उसके पापा तो मेडिकल लेके चले गए हैं कि ज्योति नहीं आएगी, उसकी तबीयत खराब है। तो आपको क्या लगता है कि ज्योति की तबीयत सच में खराब है? मुझे तो नहीं लगता ज्योति की तबीयत खराब है। ऐसी भी क्या तबीयत खराब जिसे अपने बेटे की तबीयत नहीं दिख रही? क्या उसकी बेटे की तबीयत उससे ज़्यादा खराब नहीं है? क्या उसकी तबीयत इतनी खराब होगी कि परवीन के पास आके ठीक नहीं हो सकती? क्या तबीयत इतनी खराब होगी कि ज्योति अब कोर्ट तक भी नहीं आ सकती? तो सब उनका बहाना है, उनका उनके घर वालों का सब बहाना है, फालतू का ड्रामा है। अब मैं यकीन नहीं करती कि ज्योति आएगी। ठीक है, अब तक ज्योति के सपोर्ट में हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है, मैं अपने सच में कहूंगी, बहुत ही बदतमीज और गिरी हुई औरत है। फिर से कहूंगी कि माँ शब्द से पता ही नहीं कि माँ होता क्या है। बताओ, बिल्कुल हद ही कर दी। मतलब छोटे से बच्चे की तबीयत खराब है वो नहीं दिख रही, उसे अपनी तबीयत खराब दिख रही थी, मेरी तबीयत खराब हो गई। ऐसे कौन सी तबीयत खराब हो गई उसकी जो उसने कल से इन्फॉर्म नहीं किया? और ऐसी तबीयत खराब है तो उसका इलाज तो परवीन भी करा सकता है ना? या उसका इलाज परवीन नहीं करा सकता उस तबीयत खराब का? ऐसी तबीयत खराब है कि उसके घर वाले ही इलाज करा सकते हैं उसका? और जब उसके पेरेंट, उसके पापा आए थे कोर्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए, तो उसके पापा परवीन से क्यों नहीं मिले? बिना बताए ही कोर्ट को क्यों देकर चली गई मेडिकल सर्टिफिकेट? अगर वे आए थे तो आके, जब मीडिया वाले सब वहाँ पर थे और परवीन भी था, उसके फैमिली वाले भी थे, तो क्या एक बार उनका फर्ज नहीं था कि अपने नाती नाते, मतलब उनके उनकी लड़की के ही बच्चे हैं, किसी और के बच्चे नहीं हैं, उनसे एक बार मिल लें, उसकी तबीयत पूछ लें? ऐसा कौन से गुप्त रास्ते से आए थे जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया और चले गए? और बाद में पता चल रहा है कि काउंसलिंग होगी ही नहीं आज, आज तो ज्योति की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। ज्योति अगर मेरी वीडियो सुन रही है तो क्यों बदतमीजी करने में तुली पड़ी है? सब तेरे सपोर्ट में आ गए थे, सब तेरे साथ हो गए थे, उसके बावजूद तूने ऐसा किया? तो सब बहुत खुश थे कि 3 तारीख को ज्योति आएगी, 3 तारीख को ज्योति आएगी। अब क्या करें, सब बैठ के रोएं? बस अपना दिखा कि मेरी तबीयत खराब है, और इसके घर वालों को भी सिर्फ इसका दिख रहा है कि ज्योति तबीयत खराब है, उसका नहीं दिख रहा जो इसके बच्चे, इनकी लड़की के बच्चे हैं, उनकी तबीयत कितनी खराब है। वो इतनी ठंड में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक खड़े रहेंगे उस बच्चे को लेकर। कितनी ठंड है आज, 8 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी ठंड में कल से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, उस बच्चे को लेकर कोर्ट में खड़े रहे हुए, है ना? किसके इंतजार में? ज्योति आएगी, हमारी माँ आएगी, अपनी माँ के साथ जाएंगे। तब ये सोचा था कि मेरी वाइफ आएगी, मैं उसके साथ जाऊँगा। उसकी माँ भी सोची थी कि हाँ भाई, मेरी बहू आएगी, मैं उसके उसे लेके जाऊँगा। आज पूरे खुश थे सब लोग, और क्या हुआ, बिना बहू के, बिना माँ के और बिना वाइफ के ही घर जाना पड़ेगा। क्यों भाई, उनकी सरकार है। ज्योति मान जा, सुधर जा। जो तेरा वो, जो तेरा घर चलेगा ना, वो परवीन के पास रहकर ही चलेगा। घर मायके से कभी किसी लड़की का गुजारा नहीं होता। ठीक है, कल तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, मैं जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं बच्चों से माफ़ी मांग रही हूँ, और मेरा आखिर मायके पास कोई संबंध नहीं रहेगा, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा तबीयत मैं मानती हूँ तबीयत खराब होगी ज्योति की। चलो, खांसी जुकाम बुखार हो गया होगा, चलो इससे भी सीरियस कुछ हो गया होगा। लेकिन जब इसके पेरेंट्स आए कोर्ट में, कोर्ट तक आए, तो वो ज्योति से मिल, तो वे उसकी फैमिली से मिलके क्यों नहीं गए? उस बच्चे की तबीयत खराब है पिछले 8 दिन से, उस छोटे से बच्चे को भी तो देख के चले जाते कम से कम। उस नन्नी सी जान का क्या कसूर था? वो तो कुछ जानता भी नहीं कि उसकी माँ है नहीं है, कहाँ छोड़ के पड़ी है, कहाँ छोड़ के नहीं पड़ी। उसको छोड़कर जाने का क्या रीजन था? कम से कम उसको तो लेके जाती, उसको तो देख लेती एक बार, या उसका, उसके पापा उनको ले जाते, परवीन हर को ले जाते अपने घर, बच्चों से मिलवा, ज्योति से मिलवा देते कि ज्योति की तबीयत खराब है, आप लोग मेरे साथ चलो वहाँ जाके मिल लो बच्चों से, या फिर बच्चे मुझे दे दो, मैं ज्योति के पास लेके जा रहा हूँ।
ऐसा कौन सा प्रतिबंध लगा हुआ है कि ज्योति के बच्चे ज्योति के मायके में नहीं जा सकते? परवीन भाई मैं कह रही हूँ आपसे, आप जाओ ज्योति के घर जाओ, देख के उसकी तबीयत कितनी खराब है कितनी खराब नहीं है, और बच्चों को भी लेके जाओ, बच्चों को भी मिलवाओ, क्योंकि बच्चे की तबीयत ही बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों को दिख रही है, अपने लड़की के बच्चों की नहीं दिख रही कि उनको भी ठंड लग रही होगी, उनकी भी तबीयत खराब है। ये सब इनका ना रचा रचाया खेल है, अच्छा सा रचा रचाया ड्रामा है कि आज की काउंसलिंग में नहीं आना था, ज्योति को नहीं भेजना था। ठीक है, ये कुछ भी इसमें असलियत नहीं है, कुछ भी सच्चाई नहीं है तबीयत खराब में। ये देखो कितनी मोटी मोटी फिंगर्स हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारा घर का काम करना पड़ता है। ठीक है, खांसी भी होता है, जुकाम भी होती है, बुखार भी होता है, लेकिन अपना घर का काम नहीं छोड़ जाता, दवाई लेके फिर लग जाते। अगर कितनी तबीयत खराब हो, डॉक्टर के यहाँ से दवाई ले आती, बुखार ही हो रहा है, चलो दवाई ले आती, बुखार 1-2 घंटे में उतर जाता है, फिर चली जाती। लेकिन नहीं, हमें तो ऐसी बात माननी ही नहीं है। तो फिर आप भी कमेंट करके बताना मुझे, आपकी जो आपको ज्योति की इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है। भाई मुझे तो इसमें बिल्कुल सच्चाई नजर नहीं आती, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ज्योति झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ठीक है, ऐसी भी कि तबीयत खराब की, जिसे अरे बच्चों को जरा सा भी मोह नहीं रहा कि मेरे बच्चे भी है, वो भी बीमार है, थोड़ा सा भी मोह नहीं है उसे। ये कह देती है अरे पापा से कि पापा आप जाओ, मतलब कि परवीन से मिल लेना और मेरी सास से भी मिल लेना, और मेरे बच्चों को बच्चे को मेरे पास ले आना। ठीक है, परवीन को तो मना किया है वहाँ आने के लिए, बच्चे को थोड़ा मना किया है कि बच्चे भी जा सकता अपने नाना नानी के पास। और नाना नानी तो तब प्यार करते हैं ना अपने बच्चों से कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। हमारे बच्चों के भी नाना नानी है, वो हमसे ज़्यादा ना उन्हें प्यार करते हैं, और हमारे भी नाना नानी थे। ठीक है, वो भी हमसे इतना प्यार करते थे कि पता नहीं कैसे नाना नानी है। अरे परवीन के ज्योति के बच्चे नहीं है क्या ये? परवीन कहीं पीछे से लाए थे ना बच्चों को? थोड़ी बहुत शर्म रही है आप लोगों की आंखों में? नहीं रही है? क्यों अपनी लड़की का घर बिगाड़ने के पीछे तुले पड़े हो हाथ जोड़ के? अगर तुम सोच रहे हो ना उसके साथ ही कहीं और कर देंगे, तो उसकी वो इज्जत होने की नहीं कहीं भी, ध्यान रखना। जो इज्जत परवीन के घर में है ना, वो इज्जत कहीं नहीं होने की, कहीं नहीं मिलने की वो इज्जत। अगर वो परवीन के घर आती है तभी उसकी इज्जत है, वरना ऐसी धज्जियाँ उड़ेंगी ना उसकी कि कोई उससे शादी तो करने का, कोई ढंग का आदमी ना उससे शादी करने का ही नहीं बिल्कुल भी, ध्यान रखना इस बात को। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ज्योति, आ जा अपने घर, मान जा, डॉक्टर यहाँ पर भी परवीन तेरा इलाज करा देगा। ऐसा नहीं कि वो तेरा इलाज कर सकता और तेरा इलाज तेरे घर वाले कराते हैं, पिछले 4 साल में भी परवीन ने ही डॉक्टर को दिखाया होगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको लगता है कि ज्योति सच में तबीयत खराब है, उसकी तबीयत खराब है कि वो अपने बच्चे से नहीं मिल सकती। क्योंकि मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा कि सही में कहती हूँ मैं, ऐसी औरत को ना माँ सबका पता ही नहीं कि माँ होती क्या है। और ऐसी सॉरी मैं कुछ बोलती नहीं, बस आगे इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।